हे व्हाट्स अप लेडीज एंड जेंटलमैन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल वाइब एडिटिंग एंड एनिमेशन। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं सिंपली एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर बात, किस तरीके से आप किसी भी वीडियो को एडजस्टमेंट लेयर में डाल सकते हो। अगर आपकी लेयर आउट जा रही है तो आपको कैसे पता चले, ये चीज़ हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। पिछले लेक्चर्स में मैंने बात करी थी बहुत टाइप के ट्रांजिशंस के बारे में, टूल्स के बारे में, किस तरीके से ग्राफिक्स लगाए जाते हैं, आपके एसेंशियल ग्राफिक्स के बारे में, और भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में मैंने बात करी थी। लास्ट जो इससे पहले की वीडियो गई थी वो हमारी गई थी ट्रांजिशंस को लेके, और इसके साथ साथ मैंने बताया था किसी भी वीडियो में कैसे अपना नाम आप डाल सकते हो, वो चीज़ मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। आपने देखा नहीं था पढ़ो प्रीमियर प्रो के प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। सो गाइस, आज हम बात करेंगे किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी लेयर को। तो इसमें क्या होगा, अगर आपको डाउट है कि आपकी लेयर आउट है, मीन्स मैं इसको पहले आउट करके दिखा देता हूँ। अगर आपकी लेयर आउट है तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ नंबर्स बने आ रहे हैं, -39 -35। ये नंबर आपको इंडिकेट करेंगे कि आपकी लेयर आउट है या फिर नहीं है। इस तरीके से आपको पता चलेगा यहाँ पे अपनी लेयर्स को लेके। और तरीके से भी आप इस लेयर्स को चेक कर सकते हो, लाइक अगर आपको बिल्कुल ही करेक्ट लेयर का जानना है तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको लेयर को जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा कर सकते हो उसको। आपको वैसे ही आप इस लेयर को इक्वल लेवल में, या भी देखिए ये इक्वल लेवल में लेयर नहीं है, यहाँ पे भी -1 सेकेंड समथिंग का गैप है, तो इसको क्या करूँगा मैं थोड़ा आगे लेके जाऊँगा। अब भी ये गैप दिखा रही है, अब भी ये गैप है। सो इसमें क्या है, दोनों लेयर को आगे लेके जाता हूँ मैं प्रॉपर तरीके से, ये देखो अभी ये जाके आपकी कम्प्लीटली लेयर आपकी सेट हो चुकी है। एडजस्टमेंट लेयर का मतलब ये रहता है किसी भी लेयर को इस तरीके से एडजस्ट करना ताकि वो अपने प्रॉपर सीक्वेंस में आ जाए। तो इस वीडियो में हम यहाँ पे जाना है एडजस्टमेंट लेयर किस तरीके से काम करता है वो मैंने इस वीडियो में बता दिया है। तो होप आपको लेक्चर समझ में आएगा, छोटा सा टॉपिक था, ज़्यादा बड़ी चीज़ थी नहीं। एडजस्टमेंट लेयर किस तरह काम करती है आई थिंक आपको वीडियो देख के समझ आ गया होगा। अगर आपकी लेयर आउट जाती तो उसको इस इक्वल लेवल में लाने के लिए एडजस्टमेंट जिस सीक्वेंस को इस्तेमाल करते हैं वो हमारा एडजस्टमेंट लेयर कहा जाता है। तो ऑल राइट गाइस, मिलेंगे आपको न्यू लेक्चर के साथ। तो आज के लेसन में सिर्फ इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर चीज़ें समझ आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे को कमेंट भी बताओ, रिव्यू दो कि हाँ चीज़ें समझ में आ रही है, नहीं तो मैं और अच्छे बेटर तरीके से बता दूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।